केंद्र विच बीजेपी दी नरेंद्र मोदी सरकार वलों किसान विरोधी पास किए तीन काले कानूनों नूं रद्द करवाउण लई बीते करीब ढाई महीने तो अपने हकां लई दिल्ली दे बॉर्डरां ते संघर्ष कर रहे किसानां दे हक विच अज फगवाड़े दीआं सारीआं अमन पसंद जथेबंदियां वलों इलाका निवासियां दे सहयोग विच इक रोस मार्च कढ़िया गया जिस विच वड्डी गिणती विच इलाके दे लोकां ने हाजरी लगवाई। यह मार्च शहर के प्रमुख बाजारां विचों हुंदा होया श्री गुरु हरगोबिंद नगर विखे आके समाप्त होया। इस रोस मार्च विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ते चप्पलां दा हार पा के घुमाया गया। इस मौके वक-वक बुलारियां ने बोलदिया कहा कि जिस तरीके नाल केंद्र सरकार वालों किसानों उपर अत्याचार किया जा रहा है और 26 जनवरी तो बाद सैकड़े नौजवानों बजुर्गों नू नजायज जेलों विच डक के तशद्दद किया जा रहा है, इस तरह जापदा है कि मोदी सरकार भी हिटलर के नक्शे कदमों उपर चल रही है। जिस ढंग के नाल बॉर्डर उपर बैरीकेड्स की गई है, कंडियाली तार अते रस्ते विच सूए बिछाए गए हैं, इस तरह जिमें दो देशों की जंग लगी होवे। शांतमई संघर्ष कर रहे किसानों उपर तशद्दद दीआं सारीआं हदां पार कर चुकी है बीजेपी की सरकार। जिहड़ा किसान अपने खेतों विच फसल उगा के सारी दुनिया का पेट पालदा है, अज मोदी सरकार वलों बॉर्डर ते उन्हां किसानां दा ही राशन पानी बिजली बंद किया जा रहा है। असीं यूनियन दुआबे वालों पहलां तां शहर वासियों का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। लंबे समय तो संयुक्त मोर्चे वालों जिहड़ियां अपीलां चल रही सीगियां वो पूरे देश नूं इस मोर्चे दे विच उठालण दीआं सीगियां। सानूं साडे फगवाड़े शहर ते हमेशा ही मान रहा क्योंकि इन्हां ने हर मूवमेंट दे विच वध चढ़ के हिस्सा पाया। साडा भाईचारा जिहड़ा शहरी भाईचारा और पेंडू भाईचारा, असीं सारे फगवाड़े दे बड़े अमन शांति पसंद लोक हाँ, उसे दे मद्देनज़र अज जिहड़े शहरी वर्ग ने सारियां संस्थावां ने इकट्ठे हो के किसानी के हक के बीजेपी के खिलाफ जिहड़ा है मार्च आरंभिया, असीं इन्हां दा पहलां तां यूनियन दुआबा वालों तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। दूजी जिहड़ी जानकारी है तुहाडे मीडिया के माध्यम राही पूरी दुनिया तक अज पहुँच रही है, जिहड़ा सेंटर सरकार का व्यवहार है अपने प्रति वह कोई बड़ा वधिया नज़रिया नहीं, थां थां ते वड्डी बैरिकेडिंग और किल लाए गए ने, इस तरह लगता जिवें किसी मुल्क की सरहद बन गई होवे। मैं तो यह कहूँगा भी जे इहो जिहा नज़रिया सेंटर की सरकार ने रखना तुसीं वीजा सिस्टम कर दिओ इधरले पासे नूं महा पंजाब लाण दिओ ते उधरले बंदे जदों इधर आउण उह वी वीजा लैके आउण, इधरले जदों दिल्ली वाल नूं जाण उह वी वीजा लैके जाण। आपसी भाईचारा इन्हां ने तोड़ दिता। दिल्ली की संगत वड्डी तादाद दे विच तिन्नां मोर्चों दे विच शमूलीयत करदी सी, अपने भरावां दे नाल खड़दी सी, क्योंकि ये कल्ला पंजाब दा जिहड़ा हुण मुद्दा नहीं रह गया, पूरे भारत दा बन गया। खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। केंद्र की मोदी सरकार वालों जड़े किसान विरोधी तीन बिल पास किए गए उन्होंने विरुद्ध जड़ा पिछले लगभग ढाई महीनों तो दिल्ली के बार्डर से जड़ा किसानों वालों संघर्ष चल रहा, अज फगवाड़े दियां समूह अमन पसंद जड़ियां जथेबंदियां फगवाड़ा इलाके वालों जी शहर के रोस मार्च किया गया, जड़ा कि प्रमुख बाजारों के हों हरगोबिंद नगर विखे जाके जड़ा समाप्त होया है। मोदी सरकार जड़ी कि हिटलर के नक्शे कदमों से चल रही है, पिछले समय तो किसान जड़े शांतमई रह के जड़े अपना हकों के वास्ते संघर्ष लड़ रहे हैं, उन्होंने उत्ते अत्याचार बार्डर के उत्ते तुम देखो उन्हों का राशन पानी जड़ा कि किसान अपन फसल बीज के सारी दुनिया का पेट पालदा, उन्होंने ही अज जड़ा राशन पानी बिजली सारा उत्थे बंद किया जा रहा है। 26 जनवरी तो बाद जड़े अनेक सैकड़े जड़े उत्थे नौजवान जड़े गिरफ्तार करके जेलों के अंदर नजायज तौर पर बंद करके जड़े तशद्दद किया जा रहा है। ये मोदी सरकार जिन्हें देश की आर्थिक जी स्थिति है जी सब बिल्कुल डिग चुकी है इन्हें राज दे विच। असी मांग करते हैं कि जल्दी तो जल्दी है जड़े तीन कानून रद्द किए जाण। बुलारिया ने कहा कि जल्द तो जल्द काले कानून रद्द किए जाण। आने वाले समय विच किसान जथेबंदियों वालों जिस तरह का भी प्रोग्राम उलीकिया जाएगा उसका पूर्ण जोर समर्थन किया जाएगा। अज फगवाड़े दिया समूह इंसाफ पसंद जथेबंदियों वालों दिल्ली के बिच बैठे साढ़े लखां किसान जो मोदी सरकार का स्यापा कर रहे ने काले कानूनों नूं लैके उहदे विरोध प्रदर्शन के विरोध विच अज इत्थे रख्या गया मार्च, क्योंकि जो 26 जनवरी नूं लाल किले नूं लैके एक विवाद छिड़िया गया जो कि गोदी मीडिया वालों बिना ही गल तो उछालिया गया है। उस दौरान साढ़े अनेक सैकड़े नौजवान लापता हैं ते कुछ जेलां च हन, उन्हां नूं रिहा कराउण लई और कानून वापस कराउण लई जो फगवाड़े दियां इंसाफ चंद जथेबंदियां वालों मार्च रख्या गया, जो डॉक्टर अंबेडकर पार्क
गुरु गोबिंद नगर तो शुरू होके शहर के मुख बाजारा चो हुंदा होया और उसका पुतला साड़न तो बाद मोदी का इत्थे आके डॉक्टर अंबेडकर पार्क विखे समाप्त होया और जिन्हें जथेबंदियां ने इस किसानां नूं इंसाफ दिलाउण लई उन्हां दे हक दा नारा दे विच आवाज़ बुलंद की उन्हां सारे शहर वासियां दा असीं धन्नवाद करदे हां और आस करदे कि जद तों जद केंद्र सरकार साडे किसान भरावां दी आवाज़ सुणदे होए अपने कानून वापस लवेगी। फगवाड़ा तो गगन पट्टी दी रिपोर्ट।